हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हफीज। आप देख रहे हो हिंदी टेक ट्यूट्स। फ्रेंड्स, आपको लास्ट ईयर याद ही होगा ब्लू व्हेल गेम बहुत ज़्यादा चर्चे में आया था। क्यों? क्योंकि देखिए, उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। वो एक ऐप था, वो ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने के बाद वो ऐप का जो कोई भी एडमिन है ना, वो तरह तरह के टास्क दे रहा था। पहले आपको हाथ पे ब्लेड से कुछ लिखने के लिए कहेगा, इस तरह टास्क बढ़ाते बढ़ाते जाके वो सुसाइड तक आ जाएगा गेम। यानी वो जो कुछ भी बंदा वो गेम खेलता है ना, उसका मकसद जो कोई भी बंदा वो खेलेगा ना, उसको सुसाइड करना होगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए क्या हुआ, देखिए बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो देखिए, मैं अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब और एक गेम इसी तरह का आ चुका है, उसका नाम है मोमो। तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये एक लिंक के ज़रिए आ रहा है। एक्चुअली एक फेसबुक का ग्रुप बनाया था ये लोगों ने, वो ग्रुप से देखिए बाद में व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है। आपको एक अननोन नंबर से एक कॉल या वीडियो कॉल या वॉइस कॉल आएगा, या कोई एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करते ही आपको एक गेम में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत सारे छोटे बच्चों को टारगेट करके एक गेम बनाया गया है। ऑलरेडी अर्जेंटीना में एक 12 ईयर्स की लड़की ये गेम खेलकर सुसाइड की है। तो वहाँ के पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करके इस लड़की को किसी ने एक गेम खेलने के लिए मजबूर किया है, इसलिए लड़की ने सुसाइड किया है, इस तरह बता रहे हैं। तो ये मोमो वर्ड है ना, ये मोमो वर्ड जापान में एक गुड़ी का सर का नाम है। ठीक है, तो उसको एक म्यूजियम पर रखा गया है। तो ये जिसने भी ये मोमो की गुड़ी बनाई है ना, वो मोमो की गुड़ी और एक गेम लगाने वालों को दोनों को भी कोई भी लिंक नहीं है। ये गेम बनाने वाला अलग है, वो गुड़ी का सर बनाने वाला अलग है। पर देखिए, ये जो गेम बनाया है ना, वो गुड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो गुड़ी कुछ भयानक सी है। तो आजकल इंटरनेट पर बहुत सारा चर्चा हो रहा है। आज अगर आप पेपर के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो बहुत सारे पेपर्स में इसके बारे में लिखाया गया है। तो ये फिलहाल जापान और अर्जेंटीना में चल रहा है, अर्जेंटीना और कुछ अमेरिका के कुछ स्टेट्स में चल रहा है, पर इंडिया में और ये गेम नहीं आया है। पर देखिए, ये इंटरनेट का मामला है, बहुत इजी है, क्योंकि एक ऐप भी नहीं है बैन करने के लिए। इंटरनेट में लिंक्स है, वो लिंक को क्लिक करने से ये गेम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपके घर में कोई छोटे बच्चे है तो उनके ऊपर नज़र रखिए। वो आजकल देखिए जियो आने के बाद सबके पास नेट आ चुका है, और पेरेंट भी देखिए काम पर बिजी होते हैं और उनके बच्चे मोबाइल पर क्या करते हैं ये सब देखते नहीं हैं। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए आपके बच्चों के मोबाइल पर वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई एक डाउट आता है तो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट करिए। ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज पे इसके लिए अवेयरनेस लगा रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं, पर इंडिया में इतना नहीं हुआ है। इंडिया में भी शायद ये लिंक का मामला है ना, एक लिंक शेयर होता है, तो आपके पास कोई एक ऐसा लिंक आता है तो देखिए उसको क्लिक मत करिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या जो कुछ भी वीडियो आप देख रहे हो उसमें आप छोटे बच्चे हो, तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, डरिए मत। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। वो लोग डरा रहे हैं, डराने की धमकी देते हैं, अगर आप ये गेम को नहीं खेलोगे तो आपको कुछ करेंगे, इस तरह के डराते हैं। पर आप डरिए मत, आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। फिलहाल तो ये गेम इंडिया में नहीं आ रहा है, आने के चांसेस भी है, तो इसलिए अगर आप छोटे बच्चे हो तो सावधान रहिए। अननोन नंबर्स के कॉल्स को रिप्लाई मत करिए, अननोन लिंक्स को मत क्लिक करिए, अननोन नंबर के वीडियो कॉल्स को मत उठाइए। अगर आप पेरेंट हो तो आपके बच्चे के ऊपर एक नज़र रख के रखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया है ना ये मोमो गेम क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी टेक ट्यूट्स।